का फिर से एक नई वीडियो में तो आज हम लेके आए प्यारा सा ऑप्टिकल माउस जिसके आज इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू करने वाले हैं। तो वीडियो पर बने रहिए, जो भी अभी हमारे चैनल पर नए गए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने का। तो चलिए इसको ओपन करते हैं और दिखाते हैं आपको इसके अंदर क्या क्या मिलने वाला। सो फिर सबसे पहले आप इस माउस को देख लीजिए किस तरह का माउस है जो आपको देखने को मिलने वाला है इस बॉक्स के अंदर। तो ये कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा इसके इंटरफेस का, और कुछ फीचर्स जो है हम आपको बता देते हैं इसको ओपन करने से पहले कि इसके अंदर आपको क्या क्या फीचर मिलने वाले गए वो मैं आपको बता देती हूँ। पहले यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे फीचर डिटेल देखे गए। तो यहाँ पे आपको मिलेगा इस माउस के अंदर का USB 3D ऑप्टिकल माउस जिसके अनबॉक्सिंग करने वाले गाइस आपको दिखाते हैं। तो आप इसको परचेज कर सकते हैं, यदि आपको जरूरत है गाइस तो आपको ये कम से कम बजट में मिल जाएगा। आप यहाँ पे इसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसका जो रेट है मैं आपको लिख के बता दूंगा गाइस। तो आपको डिस्क्रिप्शन में देख लेना कि इसका कितना रेट आपको मिलेगा 1200 DPI। और इसका अप्रोक्स लाइफ जो है जिसकी जो माउस की अप्रोक्स लाइफ है वो इसमें दी हुई है 3 मिलियन क्लिक्स। आप इसमें 3 मिलियन क्लिक्स कर सकते हैं, मतलब जो भी स्पेसिफिकेशन और जो भी इसके अंदर फीचर्स का जो मैं आपको बता दिए। तो चलिए फटाफट से इसको ओपन करते हैं और इसको देखते हैं कि किस तरह का हमें देखने को लगेगा गाइस। तो चलिए इसको ओपन करते हैं इस बॉक्स को यहाँ से। तो ये बॉक्स यहाँ से ओपन हो जाएगा गाइस। ये हमारा माउस है जो बाहर आ गया, बॉक्स खाली हो गया। इसको हमने ये वायर माउस है, आप देख सकते हैं इसके अंदर जो है इसका केबल कितना बड़ा है। आप देख सकते हैं इसको ओपन करके दिखाते हैं, इस केबल की जो लेंथ है गाइस काफ़ी बड़ी हमें देखने को लग रही है कि आप कहीं पर अपने कंप्यूटर की लैपटॉप को लगा के इसको यूज कर सकते हैं गाइस। काफ़ी दूर तक आप बैठ के इसको कंट्रोल कर सकते हैं गाइस। ये देखो गाइस कितनी लंबी लेंथ की हमें इसमें जो केबल मिली है इसकी, तो काफ़ी लंबी है गाइस आप देख सकते हैं। तो ये कुछ इस तरह की है, तो ये इसका पॉड आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का वो देखने को मिलेगा। और बहुत ही क्लीन एकदम दिख रहा है गाइस, आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही इसका इंटरफेस है जो कुछ इस तरह के हैं। यहाँ पे ये जो लाइट आपको देखते गाइस, यहाँ पे लाइट जलने वाली है। तो ये एक ऑप्टिकल माउस है जो आप देख सकते हैं, तो इस तरह की लाइट्स का जो दे रखा है यहाँ पे आप देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर लग रहा है देखने में गाइस। और इसके अंदर हम ओपन करेंगे, बता दिया ये राइट साइज की, आप इसको लेफ्ट साइड देख सकते हैं। बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा लगा देखने में, कम बजट का है, आप परचेज भी कर सकते हैं आसानी से। यदि आप परचेज करना चाहते हैं इस तरह का माउस, ब्लैक कलर का है और केबल वाला है, मतलब वायर माउस है, तो इसकी वायर भी प्राइस काफ़ी लंबी पूरी आप देख सकते हैं, काफ़ी लंबी लेंथ हमें इसमें वायर जो है मिली है। तो हम इसको काफ़ी अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं, थोड़ी दूरी पर बैठ कर गाइस हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं अपने हिसाब से। और बहुत ही ईजीली यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके किए जो प्रेस हो रही है, तो ये इसको आप देख सकते हैं रोलर बटन जो है इसको आप ऐसे ऊपर नीचे कर सकते हैं, अपना जो भी आप इसको माउस को जैसे चलाना चाहते हैं वैसे चला सकते हैं। बहुत ही अच्छा है और कम्फर्टेबल है, जैसे कि आपके हाथ में देख सकते हैं आराम से ये ईजिली आपके हाथ में आ गया और आप ऐसे इसको चला सकते हैं। तो मुझे ये माउस बहुत ही अच्छा लगा, आपको कैसा लगा गाइस कमेंट करना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और यदि आपको ये माउस परचेज करना था लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप जाकर इसका रेट चेक कर सकते हैं कि कितने का ये माउस जो हमको पड़ने वाला गाइस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना गाइस इस तरह की वीडियोज को देखने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।